सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं 2019 के इलेक्शंस के बारे में। और जहां तक बात की जाए झारखंड की, तो वहां की सबसे बड़ी तीन पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो इसके बारे में चलिए हम और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं भाजपा से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने जन घोषणा पत्र में स्थिर सरकार और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वादा किया है। समारोह में अमित शाह ने कहा है कि झारखंड की सभी समस्याओं का एक ही इलाज है कि यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि अगर उनकी सरकार यहाँ आती है तो भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर वो विशेष ध्यान देंगे। और जहां तक कि कांग्रेस की बात की जाए, तो उन्होंने कहा है कि जो लोग आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें वो हर महीने 35 किलो चावल मुफ्त देंगे। और झारखंड में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए कांग्रेस ने कहा है कि वो इन संगठनों के नेताओं से बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। घोषणा पत्र में झरिया कोलबेल्ट में रहने वाले लोगों को पुनर्वास की भी बात कही गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में दशकों से जमीन के नीचे आग लगने की समस्या है, जिस वजह से स्थानीय लोग की जान को खतरा बना रहता है। और अगर बात आरजेडी की करें, तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र गुरुवार को जारी किया है। घोषणा पत्र में झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई है। घोषणा पत्र में पिछड़े वर्ग का हक मारने की बात को बंद करने और उनके आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाकर आबादी के अनुरूप करने की भी बात कही गई है। वहीं जल, जंगल, जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय की हक की बात कही। तो ये थी हमारी सबसे बड़ी तीन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानकारी। तो और जानकारी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन सौरभ के साथ तरुणी, नई दिल्ली।